फेसलेस मोटिवेशनल स्टोरीज का ये चैनल महीने का $8,000 तक कमा रहे हैं, वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। इसे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि आप भी ऐसा चैनल शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह का शॉर्ट स्टोरीज यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है और फिर वीडियो को एडिट कैसे करना है। ये सब कुछ आपको आज की इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम लोग मेक मनी विद AI एंड यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये जो चैनल की मैंने आपको अर्निंग बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एडसेंस की अर्निंग है जो एडसेंस अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पॉन्सरशिप डील्स और अफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो इसका रेवेन्यू 18 से 20 हज़ार महाना तक भी जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी कुछ वीडियोस के एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं। अगर बात की जाए जिसके चैनल का नाम डे टू डू मोटिवेशन है और 515 वीडियोस हैं, 1.86 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो वीडियोस नज़र आ रही है छोटी छोटी, 3 मिनट 2 मिनट 7 मिनट 3 मिनट। अगर हम लोग इसकी पॉपुलर की वीडियोस की बात करें तो सबसे पॉपुलर जो वीडियो है वो 2 साल पहले इसने अपलोड की थी। यहाँ पे देखिए इस वीडियो के ऊपर 2 साल में 6 मिलियन, इस पर 2 साल में 9 मिलियन व्यूज़ आए। और काम भी बड़ा सिंपल सा है, हम प्ले करके देख लेते हैं। लाइक दिस वन, लाइक चले प्ले कर देते हैं, ठीक। ओए हाय, ये तो ये एड्स ना। अच्छा, एज अ यूट्यूबर हमारी वीडियोस पे ऐड है तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब किसी की देखने लगे तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब देखेंगे लोगो है, उसके बाद एक पैरेलेक्स इमेज चल रहा है जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, ठीक है। और क्या हो रहा है, पीछे वॉइस है, उसके ऊपर वो स्टोरी उसने अपलोड की है। तो यहाँ से ये शुरू होती है, थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। एक फ़ोटो लगी है, वो स्टोरी सुना रहा है और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है और क्या चल रहा है उसके ऊपर एक फ़ोटो चल रही है, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं चल रहा, चले ये चल, लाइक दिस वन। बड़ा आसान सा काम है, एक तस्वीर चाहिए और उसके बाद उस पर काम शुरू कर लेना, ठीक है। तो आप ये काम सारे का सारा AI से भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप काम के लिए आपको 3 टूल्स की सिर्फ ज़रूरत है, और वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत है जो क्या है, कैपकट। तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आप ChatGPT, जिसका आप नाम ऑलरेडी जानते हैं, आप ChatGPT पर जा सकते हैं और यहाँ पर इसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, प्रॉम्प्ट को ज़रा समझने की कोशिश करनी है। अगर आप स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इसको कहना है क्रिएट अ फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ अ बॉय हु इज अ पेंटर एंड वांट टू अचीव कंसिस्टेंसी इन हिज लाइफ। लाइक एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि जी किसी ऐसे पेंटर की स्टोरी बना दो जो चाहता है कि मैं कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं एन ओल्ड मैन, यहाँ पे बॉय की जगह पे आप मेंशन कर देंगे कि आप जिस बंदे की स्टोरी चाहते हैं, बॉय, मैन, वुमेन, रैबिट, एनीवन। उसके बाद यहाँ पे उसका शोभा, अगर पेंटर, डॉक्टर, कुछ इस तरह चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मकसद बताया कि स्टोरी का मकसद क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया है कंसिस्टेंसी इन हिज लाइफ या इन हिज वर्क, हम कर लेते हैं कि काम में कंसिस्टेंसी कर सके। आल्सो क्रिएट टाइटल ऑफ इट एंड इंट्रोड्यूस अ जेन मास्टर हु टीच हिम, ठीक है। कि मैंने कहा है क्या स्टोरी में एक मास्टर जो है जेन मास्टर बनाने है जो कि उसे ये टीच करेगा। तो ये अब सिंपल सी बात है, आप इसे क्रिएट कहेंगे, ना कि आप यहाँ पे इसको कहेंगे कि राइट, राइट करेंगे कहेंगे तो वो इंटरनेट सर्फ में डाटा उठाएगा, क्रिएट पे वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। लाइक दिस, मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे दे दिया, ये स्क्रिप्ट अभी जनरेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखो उसने बता दिया, ब्रश स्टॉक्स ऑफ कंसिस्टेंसी वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज लिटिल एम्ड लश ग्रीन हिल्स देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड काई फ्रॉम अ टेंडर एज, काई हैज डिस्प्लेड अ फ्ला फ्ला फ्ला। ये सारी इसने वाली स्टोरी लिख दी है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा टूल यूज़ कर सकते हैं क्विल जीनियस। आप क्विल जीनियस पे आए, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लें, अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना है, मैं लॉगिन करता हूँ। और इनके यहाँ पे अदर के टेम्पलेट में कस्टम प्रॉम्प्ट है, आपने वहाँ जाके सेम यही प्रॉम्प्ट ऐड कर देने और क्रिएटिविटी हाई कर देनी है। यहाँ पे बेसिकली जो आपको स्टोरी मिलेगी वो कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन और बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी बनिस्बत ChatGPT। आप ChatGPT से भी काम चला सकते हैं, बट यहाँ पे अल्फाज का चुनाव क्विल जीनियस पे बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। इनका जो AI टूल है बहुत कमाल का लिखता है। लाइक दिस वन, यहाँ पे आपको उसने टाइटल भी अच्छा बताया है बजाय इसके, ऑल्सो स्टोरी का स्टार्ट भी ऐसा है।
Meet Justin, a young and talented painter who had a burning passion to create masterpiece with his paintbrush. He always had a vision. अब यहाँ पे अल्फाज बहुत ज़्यादा मज़े की शॉर्ट सी स्टोरी है, आपको जो भी पसंद है आप उसको क्या करेंगे, स्टोरी को यूज़ करें। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि इस स्टोरी से हमने वॉइस बनानी है। सो वॉइस के लिए मैं आपको वन एंड ऑनली expiacho.com ही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये वाकिट में सारे टूल्स हैं, चीप हैं, और आल्सो अगर बात की जाए क्वालिटी की तो इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो expiacho में आपको तकरीबन के आई थिंक 900 प्लस वॉइस मिलती हैं, बेशक आप इनका $2-3 वाला प्लान क्यों नहीं लेते तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें US इंग्लिश में AI वॉइस चाहिए जो ह्यूमन साउंडिंग होगी। हम यहाँ पे किसी वॉइस को टेस्ट करते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे लियाकत को टेस्ट करते हैं, प्ले करते हैं। Like this one, it's a good voice. Like this. बस कर यार, बस अब नहीं बोल रहा, ठीक है। आपने यहाँ पे स्टोरी पेस्ट कर देनी है, और सॉरी मैं तो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सॉरी कंट्रोल जी, ओके। मैं यहाँ से स्टोरी को कॉपी करता हूँ। कॉफो क्या हो रहा है मेरा, स्टोरी को हम लोग क्या करते हैं कॉपी, और कहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको, expiacho में पेस्ट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। रूल क्या है, कोई भी आप AI टूल यूज़ कर रहे हैं वॉइस के लिए तो हमेशा कोशिश करें कि उसके सेंटेंसेस को तोड़ दें ताकि वो अच्छे पॉजेज ले सके। जो अच्छे टूल हैं लाइक expiacho के ऐसे, ये ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ पे पॉजेज लेने हैं, अगर आप कॉमा और फुल स्टॉप का यूज़ बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं। क्विल जीनियस से लिखाई गई स्क्रिप्ट का आपको ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करेगा, जिससे क्या होता है कि कोई भी AI टूल जब उस स्क्रिप्ट को बोलेगा तो आपको बहुत कम मैनुअल एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ के अल्फाज को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। दिस वन, ठीक है भैया, पे उसने क्या कहा और उसको फिर किस तरह कहा गया और क्या कैसे कहा गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड फोकस, और यहाँ पे अगेन दिस वन, ठीक है। फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पे आप लोग किसी थोड़ा सा इसको सेटमेट कर लेना है आपने, क्योंकि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर लाइन के बाद वो थोड़ा सा वक्फा लें जैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ, अदरवाइज आप नहीं भी तोड़ेंगे तो वो अच्छी बनेगी वॉइस, बट उसमें फ़ील आएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी वॉइस में कहीं पर भी फील आए कि ये AI जनरेटेड है या ओरिजिनल वॉइस है, ठीक है। तो इन कंक्लूजन दिस स्टोरी हाईलाइट्स द सेंटेंसेस फ्ला फ्ला फ्ला, और ये हमने यहाँ पे इसको सेट किया। इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली इसको सिंथेसाइज टू फाइल करेंगे और ये विद इन सेकेंड्स आपकी पूरी स्टोरी को वॉइस में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो बड़ा आसान सा टूल है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये ट्रायल आपको ट्रायल वर्ड इतने देता है कि आप एक दो स्टोरीज पब्लिश कर सकते हैं। अब हमने जो ऑडियो बनाया उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इस ऑडियो को डेस्कटॉप पे रखता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ, टाइटल क्या है हमारी स्टोरी का, द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, ओके। हम इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको इसी नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, ओके। सो ये हमारी ऑडियो फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए, वीडियो एडिटिंग। हमें वीडियो बनानी है, तो वीडियो बनाने के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको सिर्फ वन एंड ऑनली कैपकट यू रिकमेंड करूँगा, बिकॉज कैपकट आसान टूल है, ठीक है। कैपकट को आप यूज़ कर सकते हैं, ये वॉइस भी हमारी डाउनलोड हो चुकी है, इसको खैर बाद में प्ले करेंगे, ठीक है। मैं इसे फिलहाल यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारा कैपकट रन हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। और सेकेंडली आपको क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, और इमेज के लिए आपको मैं एक साइट रिकमेंड करता हूँ। आप एक तो लेक्सिका के ऊपर जा सकते हैं, lexica.art। इमेज जनरेशन बड़ी आसान है, अगर आप lexica.art पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास बनी बनाई बहुत सी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ बॉय पेंटिंग, या सॉरी अ बॉय हु इज़ पेंटिंग, लाइक जिस वन, यहाँ पे हमें एक बॉय जो है वो पेंटिंग कर रहे हैं, और बॉय की बजाय अगर हम लोग यहाँ पे अ मैन पेंटिंग कर देते हैं तो हमें बहुत सी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जिनको फिर हम लोग एज अ स्टोरी के रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर देखा जाए तो सारी फ़ोटोज़ ही अच्छी है, बट आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस होंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें बंदा और डिप्रेस्ड हो, लाइक दिस वन, इट्स नॉट बैड, ठीक है। इसको आप लोग सिंपली यहाँ से इसकी आगे एग्जांपल भी देख सकते हैं, खैर ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, आप सेव इमेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इस डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और जब आप ये चीज़ कर लें तो आपने कैपकट को चलाने और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जाने, और यहाँ पर आपने इम्पोर्ट करने, क्या इम्पोर्ट करने, आपने यहाँ पर अपना फोटेज जो फ़ोटो है वो, और जो आपका ऑडियो है जो कि हमारा यहाँ पे है, क्या नाम है उसका, द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, इसको हमने अपलोड कर लिया, साथ में हमें इस बॉय को भी अपलोड करना है, यंग गाय को, ठीक है।
ऑडियो अपने को हम लोग ट्रैक पे ले जाते हैं और साथ में इस फोटो को भी हम ट्रैक पे ले हैं। इस फोटो को हम लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं, फुल स्क्रीन तो ऑलरेडी इसको ग्रैब करके लास्ट तक नहीं जाते। रेशो में जाके हम लोग इसे 16:9 की रेशो देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम करके फिल कर सकते हैं चीज़ों को, अगर वो फिल ना हो लाइक दिस वक्त इट्स गुड, या आप इसको फिल कहते हैं। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो कैपकट का एक फीचर है जो कि आपके टेक्स्ट को कैप्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इस स्टोरी में देखा था कहाँ पे, यहाँ पे के नीचे वो कैप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो बोल रहा है वो लिखा भी जा रहा है। तो कैपकट ये काम सारा ऑटोमेटिकली आपके लिए परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अभी ये बन जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए हम लोग यूट्यूब की लाइब्रेरी से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ले सकते हैं, जो कि अब यहाँ पे studio.youtube.com पे जाते हैं। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे म्यूज़िक लाइब्रेरी है, मैं इसको रीसेंट करता हूँ, ये ज़्यादा जूम हो गया आई थिंक। तो यहाँ पे बहुत से म्यूज़िक हैं जो सारे के सारे कॉपीराइट फ्री हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल सर्च कर लेते हैं, या फिर स्टोरी, या फिर काम टाइप का जो म्यूज़िक होता है जिसे हम कहते हैं कि बड़ा काल म्यूज़िक, काम म्यूज़िक है। तो यहाँ पे काम सर्च करें और कोई एक अच्छा सा म्यूज़िक, बहुत बेहुदा था यार, चले इसी को ले लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। वैसे ये उर्दू स्टोरी के पीछे अच्छा चलता, बट खैर है नहीं लेते, मैं मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल सूट नहीं करेगा। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इस बार इज गुड ऑप्शन, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। पहला भी ठीक है बट वो हमारी स्टोरी के साथ मैच नहीं करता, इसलिए मैं उसको नहीं लूँगा, ठीक है। आप म्यूज़िक को ओपन कीजिए, सिंपल अपनी वीडियो के नीचे फेंक दें उसको, वो आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपकी जहाँ स्टोरी एंड होती है वहाँ पे इसको एंड कीजिए, इस बॉक्स को पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर दें और यहाँ से इसकी वॉल्यूम को उतना डाउन कर दें जितने पे आपकी वॉइस आपको सही समझ आए, लाइक दिस। लाइक यहाँ पे म्यूज़िक ठीक है, आप म्यूज़िक अपनी मर्ज़ी का कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और आल्सो अब ये जो कैप्शन आ रहे हैं ये पढ़े नहीं जा रहे, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और किसी भी पहले कैप्शन पर आप क्लिक कर दें। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट को सिलेक्ट करके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जो स्टाइल है वो ऐसा रहने की बजाय उसको क्यों ना कुछ इस तरह का स्टाइल प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये स्टाइल प्रोवाइड हो गया, थोड़ा सा इसको कलर दे देते हैं लाइक दिस। इसमें अभी फिलहाल क्या हो रहा है, येलो कलर में लिखा जा रहा है, मीट जस्टिन, अ यंग एंड टैलेंटेड पेंटर हु हैड अ बर्निंग पैशन टू क्रिएट मास्टरपीसेस विद हिज पेंट ब्रश। He always had a vision in his mind but could never execute it the same way twice. This inconsistency in his artwork led to self-doubt and intimidated him. One day, he decided to seek guidance from a Zen master named Yu. Master Yu was well known for देखिए कितनी मजे की और कितनी बेहतरीन स्टोरी बन चुकी है, विद कैप्शन सारा कुछ ठीक-ठाक चल रहा है और आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसे डायरेक्टली YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो मज़े की लगी होगी, पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। और अगर आप किसी और तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी तरह का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि वैसा कंटेंट कैसे बना सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी अपलोड कर दी जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।